राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम लंका में हनुमान भाग 2। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि हनुमान वायु मार्ग से होते हुए लंका में प्रवेश कर जाते हैं। वहां वो सीता की खोज करने के लिए लंका का हर स्थान छान मारते हैं और अंत में सीता उन्हें अशोक वाटिका में मिलती है, जहां रावण ने उन्हें कैद करके रखा हुआ है। अब सुनिए आगे की कहानी। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, सबसे भिन्न। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है। पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। ये सपना अच्छा नहीं है, कहीं ये सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। राम, सीता की हिचकियां बंद गई। राम, वो विलाप करने लगी। देर रात राक्षसियां एक एक कर चली गई। सीता वाटिका में अकेली थी। ये अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे। कहीं सीता मुझे भी राक्षस ना समझ ले, मायावी चाल मान ले। उन्होंने सोचा, पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की। गुणगान। रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंकी। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी। पूछा, कौन हो तुम? माते, प्रणाम माते। हनुमान नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दी, कहा, जय श्री राम। हे माता, मैं श्री राम का दास हूं, किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर। उन्होंने मुझे यहां भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर कर दिया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। बस आपकी आज्ञा चाहिए माते। नहीं, ये उचित नहीं होगा पुत्र। पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा।
माथे। विजयी भव पुत्र। हनुमान ने सीता से विदा ली। वो पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया। उनकी आंखें नम थीं। हनुमान ने कहा, निराश ना हो माते, श्री राम दो माह में यहां अवश्य पहुंच जाएंगे। प्रणाम माते। विजयी भव पुत्र। जय श्री राम। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया। अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्ष कुमार भी प्राण गंवा बैठा। राक्षस भागे भागे राजमहल गए। रावण को इसकी सूचना दी। एक वानर के उत्पात के बारे में बताया। रावण तिल मिला गया। उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेघनाद को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को। कहा, उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो, उसने जघन्य अपराध किया है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। इंद्रजीत था। एक बार इंद्र को परास्त कर उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहां भेजा है? जय श्री राम। हनुमान के मन में भय नहीं था। जय श्री राम। मैं श्री राम का दास हूं। मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया था। उनसे मैं मिल चुका। आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो राक्षस हैं। उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। जय श्री राम। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा। छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक दिया। कहा, आप नीतिवान हैं राजन। नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है। आप उसे कोई दूसरा दंड दे दें। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। महाराज प्रणाम। मेरा एक निवेदन है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें। इसी में आपका कुशल है।
धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने आग लगा दी। अरे हनुमान की पूंछ में आग लग गई। जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। राक्षस ठिठोली कर रहे थे। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए। एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर कूदते उन्होंने सभी भवन जला दिए। हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी धू धू कर। राक्षस विलाप करने लगे। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक ना पहुंच गई हो। सीता सकुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई, आग से अप्रभावित। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े राम के पास। प्रणाम माते, जय श्री राम। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत, अन्य वानर आते ही उन्हें सब ने घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया, सीता से भेंट का क्रम बताया, कहा, मैंने उन्हें देखा, बात की, ये समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचाना चाहिए, समय अधिक नहीं है। प्रसन्नता में वानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग के कई वन उजाड़े, फल खाए और फेंके, दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए राम के पास। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए। वे कैसे हैं, कैसे रहते हैं, उन्होंने कोई संदेश भेजा है? हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही। कहा, मैंने उनसे भेंट की। वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा, यदि श्री राम 2 माह में यहां नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए। भाव विह्वल होकर उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया। आंसू रोक नहीं पाए। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण। समय कम था। सुग्रीव ने
युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वानर सेना इसके लिए पहले से तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्हें अलग-अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, अलग दिशाओं में नहीं जाना था। सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी, दक्षिण। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुईं। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था, ये एक चुनौती थी। देर रात तक चर्चा का विषय रही। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी, विजय सिन्हा, हर्ष बाला, राजश्री त्रिवेदी, सुनील लोहिया और जैमिनी कुमार, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।